ज़्यादा टाइम लग गया है। और इधर अगर मैं घुमाऊँ तो ये चेक करें, गाड़ी हो गई है भाई रेडी। बड़ी वाड़ी लग के सही लग रही है, किट विट लग के या कुछ कमी लग रही है गाड़ी में? चले जी, ये गाड़ी हुई आपकी। और सर ये कब तक पॉसिबल है कि ये गाड़ी तैयार होगी? सो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई वापसी घर पे, और घर आते ही जो है हमें एक वीडियो बनाने जाना था, जैसा कि आप लोगों को नहीं बताया था मैंने। ठीक है, दोबारा से चिंची का सफर तो आपको दिखाऊंगा नहीं, यहाँ से चिंची पकड़ के दोबारा घर जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट टाइम तो आपने देखा था कि भाई काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और गाड़ी का एसी का काम चल रहा था। तो सबसे पहले तो आप वो वाली कहानी जो है वो कंटिन्यू करके आए कि हमने वो एसी जो है वो कैसे लगवाया, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताता हूँ कि आगे क्या हम लोग का काम है। तो ये हो चुका है भाई खर्चा, अच्छा आप लोगों को पता है भाई काफ़ी ज़्यादा है। तो ये न्यू है, तो ये न्यू हमने जो है वो परचेज कर लिया है, और अब जो है इसमें अच्छा ये डायरेक्ट पर ले आके देते हैं, खुद ही लगा देंगे ये सारी चीज़ें। तो भाई से हमने जो है परचेज़ कर लिया है। अच्छा कितने का पड़ा है ये भी आप लोगों को जो है बता दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार रखें। और नई वीडियो की शुरुआत जो है वो यहीं से हो चुकी है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। अभी हालत तो नहीं थी कि स्टार्ट किया जाए, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो यार एक नई चीज़ परचेज़ करिए, तो आप लोगों को यहीं से जो है वो दिखाते हुए चलें। तो बस अब जा रहे हैं, देखें एसी की फ़िटिंग जो है वो अब हो जाएगी, लेकिन रात हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, तो आप लोगों को इतना दिखाने में भी मज़ा नहीं आएगा, और आप यानी कि वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा। थकन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कुछ खाएँगे पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कल दिन में आपको गाड़ी दिखाते हैं कि भाई एसी कैसा जो है बना है। और मुबारक हो भाई, एसी हो गया है ऑन, और शाम तकरीबन 5 बजे से हम लोग निकले थे, और अभी टाइम हुआ है 10:05। तो भाई ये देख लो भाई, ये व्लॉगिंग के चक्कर हैं और गाड़ियों के कामों में यही हो जाता है भाई, लेकिन एसी माशाल्लाह से चिल हो गया है अब। सो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अभी जो है वो जो हमारी सिविक थी उसका काम तो जो है वो रोक दिया गया है, वो खड़ी हुई आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सो ये काम रोक दिया गया है, एसी का काम हो गया है इसका, बाकी बॉडी का लाइटों का हर चीज़ का काम अभी बाकी है, ये थोड़ा सा रोक दिया है। अच्छा ये गाड़ी आई हुई थी इंडस करोला, मशहूर बहुत गाड़ी है, इसकी लाइटों का काम था, लाइटों का काम हो चुका है, लाइटें साफ ऑफ हो चुकी हैं, अभी गाड़ी गंदी हो रही है, वैसे आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रही होगी। सो अभी जो है वो इसको दे के आएंगे हम लोग, बॉडी किट के नहीं होने के लिए, क्योंकि बॉडी पूरी किट इसकी बनवा ली गई है और वो लगेगी, तो अभी वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जाते हैं उन भाई से मिलते हैं कि भाई उन्होंने बॉडी किट बना दी नहीं बनाई, तो वो आप लोगों को सारी सिचुएशन जो है वो दिखाते हैं। अभी यहाँ से पहले निकलते हैं, गर्मी। ये हो चुकी है स्टार्ट, और इसका भी वही मसला है, अभी एसी का काम जो है वो इसका हुआ नहीं है। सो इसके एसी के काम में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ वेट नहीं करता हूँ, बस निकलता हूँ यहाँ से, गाड़ी थोड़ी सी चलेगी तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन अभी तो फुल जो है वो थोड़ा सा जलन जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है काम करना है, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ ही चलती रहेंगी। ओए बहुत गर्मी हो रही है बहुत, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जर्नी को। यहाँ तो ये पहुँच चुके हैं भाई हम सुहेल भाई के पास यहाँ पे, और बड़ी मुश्किल से इनकी गलियाँ हैं, तो काफ़ी पतली पतली गलियाँ हैं, तो वो ढूंढना काफ़ी मसला हो जाता है, ये चेक करें आप, तो ये सारी गलियाँ एक जैसी जो है वो नज़र आती हैं, लेकिन ये कि फाइनली अभी पहुँचते बिना एसी के जो है वो हालत हो गई है कुछ ऐसी, पसीने पसीना सारा। बाकी अभी सुहेल भाई क्या कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। सलाम वालेकुम सुहेल भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? तो भाई ये हैं सुहेल भाई, इनको आपने जो है वो मार्क टू की सीरीज में देखा था, और मार्क टू की सीरीज के बाद जो है वो अब नजर आ रहे हैं, और सब खैरियत है, कुछ कहना चाहेंगे सर, बोलने अभी मौका है। मैंने चैनल बनाया है सुहेल मॉडिफाइड कार्स, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी कीजिए। चलें जी, सो गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है। अच्छा गाड़ी के लिए क्या चीज़ें बनी हैं, क्या नहीं बना है, वो अभी थोड़ा सा मुझे भी सांस लेने दो, आप लोग भी सांस लो, चाय वाय पियो, बिस्किट विस्किट खाओ इतनी देर में, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। सो सुहेल भाई के गैरेज का थोड़ा सा टूर आप लोगों को दे दूँ, तो ये आप लोग चेक करें, ये सारा सुहेल भाई का काम हुआ है, ये बॉडी किट वगैरह बना के यहाँ पर रखी हुई है इन्होंने, जो तैयार होती जा रही हैं, बाकी एक ही गाड़ी तैयार हो रही है, और इसी तरीके से ये हायर तो खैर किसी डेंटिंग वगैरह के काम से खड़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी इस पे जो है बॉडी किट वगैरह लग जाए बुलान पे, तो वो भी जो है वो बना देते हैं सुहेल भाई। अच्छा सीन कुछ ये है कि हमने तो सोचा था कि भाई आज की तारीख में जो है वो गाड़ी हमें मिल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि अभी जो है वो कुछ चीज़ें रह गई हैं गाड़ी की,
वो तैयार हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब आज हमें गाड़ी यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी और कल हमें गाड़ी मिलेगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास जाने के लिए तो कुछ रास्ता है नहीं, तो यहाँ से पकड़ेंगे भाई, देखेंगे कोई रक्षा चिंची बाइक है या कुछ भी, एक काम करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले अभी फिलहाल सुहेल भाई को गाड़ी दिखा दें, अगर कोई चीज़ हमें दिखा सके सुहेल भाई। सुहेल भाई, इसकी बनी हुई चीज़ें कहाँ रखी हैं? इस साइड पर रखी हुई क्या, वो जो कॉर्नर पर रखी हुई है? ठीक है, इसको सीधे दिखा रहे हैं गाड़ी की जो जो बन गई हैं। अच्छा जी, ये आप लोग जो है वो चेक करें, ये हमारा आ गया बैक, और ये बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। लगने के बाद आप लोगों को पता चलेगा, अभी तो खैर लगा के नहीं दिखाएंगे हम आपको, अभी खाली दिखा रहे हैं, क्योंकि देखें वो भी एक हम जब बनेगा लगेगा तो खूबसूरती एक अलग आती है। ये चेक करें स्पॉइलर, ठीक है अभी मोल्डिंग के अंदर ही है ना, बस ठीक है, मकसद इसी तरीके से जो है वो तैयार होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, बाकी साइड है जी, मैं दिखा। अच्छा जी, आज तो सही तकरीबन जो है वो काम हो गया गाड़ी का। हाँ हाँ, ये चेक करें साइड स्कर्ट्स हैं, ये चेक करें आप तो, ये भी फिलिंग होनी है। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी है, दूसरा भी रखा हुआ है, फ्रंट ये रेडी हो रहा है और फ्रंट का भाई काम चल रहा है। सिर्फ इसकी वजह से एक तरीके से जो है वो गाड़ी रुकेगी, यही सीन है जी, बिल्कुल। तो इसकी वजह से रुकेगी, खैर कोई मसला नहीं है, एक आध दिन तो चलते ही डिले हो ही जाता है। अच्छा सुहेल भाई जी, ये आपके हैंडओवर गाड़ी, सही आ जाए सर, आप गाड़ी देख लें। लाइटें वाइटें हमने इसकी जो है वो ओके करवा दी हैं, क्योंकि पहले तो बहुत ही पीली हुई पड़ी थी तो कुछ नज़र ही नहीं आता था, अब ये कि लाइटें भी दोनों चमक गई हैं और बस आपके हवाले है गाड़ी। अब मुझे यहाँ से ये बताएं कि कौन सा चिंची हमारे घर को जाएगा, चिंची के बारे में वो तलाश हमें अभी खुद ही करनी पड़ेगी। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे एक दो काम घर पे आके निपटाने हैं, वीडियो पड़ी हुई है अभी संडे वाली, वीडियो भी एक दो वीडियो जो है वो रह गई हैं, तो वो भी अपलोड करनी है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत सुहेल भाई, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। तो गाड़ी देने के बाद भाई ये होता है कुछ, हम जा रहे हैं चिंची में वापसी, गाड़ी तो सुहेल भाई को दे दी और अब हमें जो है वो इस तरीके से घर जाना पड़ रहा है। बाइक भी नहीं है अभी, और दूसरा एक दोस्त होता है साथ में, वो भी थोड़ा बिजी है अपने कामों में, उसको भी तंग नहीं करा, लेकिन हमें भाई मिल गए, भाई जा नहीं रहे थे डिस्को मोड, लेकिन भाई ने बोला यार आपकी मोहब्बत में आएंगे, ऐसे ही है भाई। हाँ जी, चले जी, ये हमारे चिट्ठी वाले भाई भी हैं, ये हमें घर तक छोड़ लेके चले जी, अल्लाह हाफिज़। सो वेलकम बैक भाई, अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं वापसी घर, आपने चिंची का सफ़र तो देख लिया होगा, लेकिन मसला ये है कि भाई ये जो दिन है ये वही सेम दिन नहीं है, ये है तकरीबन एक हफ्ते बाद, और गाड़ी अभी जो है वो रेडी हो चुकी है। सुहेल भाई की कॉल आ चुकी है कि भाई गाड़ी में जो है वो बॉडी किट वगैरह लग गई है पूरी, आ जाएँ गाड़ी ले जाएँ। तो अभी हम लोग जो है वो हाल फिलहाल वही करेंगे, बाइक ले ली है, उसकी स्टोरी फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, वो आप लोगों को बता दूंगा कौन सी लिए कौन सी नहीं लिए। बाकी ये कि गाड़ी तो हो गई है तैयार, तो बस अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि बाइक लेके वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लानी है, तो दोबारा वही जो है हमारा सेम टू सेम चिंची का सफ़र जो है वो शुरू होगा, और जो है वो वहाँ से गाड़ी जब लेके आएंगे तो फिर हमारे पास गाड़ी भी होगी बाइक भी होगी, और गाड़ी क्या पता हमें जो है वो कलर वाले भाई को जो है वो देनी पड़े। वैसे तो आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मा मुबारक भाई सबको, बाकी के अगर अनीस भाई बैठे हुए तो उनके हवाले कर देंगे गाड़ी, नहीं तो फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, आज के दिन का काम जो है वो ज़्यादा है, मुइज़ भाई के पास भी जाना है, तो ये सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, कैमरा हमारा चार्ज हो गया है, मोबाइल भी चार्ज हो गया है, एक मोबाइल से वीडियो बन रही है, और यहाँ हमारे माइक शाइक जो है वो लगे हुए हैं, पावर बैंक लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी यार पीसी का एक मसला हो गया, पीसी दिया हुआ है बनने के लिए, लेकिन वो जो है वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, तो बस उसकी यहाँ जगह खाली पड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ताला बस अभी देखते हैं आज, क्या पता पीसी वाले भाई के पास भी जो है वो चक्कर लगा लें, नहीं तो पहले गाड़ी तो लेके जो है वो आते हैं हम लोग। तो निकल चुके हैं भाई, ये खड़ी हुई बाइक, और कौन सी है क्या है बाद में दिखाएंगे, वैसे तो समझ ही गए होगे आप लोग यार। हाँ तो जी, चिंची से उतर चुके हैं, और मसला ये है कि भाई यहाँ चिंची से उतरने के बाद भी ना, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है स्टॉप पे, तो आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, और इधर अगर मैं घुमाऊँ तो ये चेक करें, गाड़ी हो गई है भाई रेडी, और स्पॉइलर भी लग चुका है, बैक की बॉडी किट भी लग चुकी है, तो ये आप लोग जो है वो चेकआउट करें डायरेक्ट इंटर होते ही। अभी तो हम सुहेल भाई से मिले भी नहीं हैं, गाड़ी के दीदार आप लोगों को पहले ही जो है वो करवा दिए हैं, तो ये आप लोग चेकआउट करें। फ्रंट का भी जो है वो लिप वगैरह हर चीज़ जो है वो लग चुकी है, और यहाँ मौजूद हैं हमारे सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, क्या चाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक, खाना वाना खा लिया आपने जी? तो बस सुहेल भाई के खाना खाने का ही जो है वो इंतज़ार हो रहा था,
जैसे ही सुहेल भाई फ्री होते हैं फिर आके जो है वो गाड़ी ले आते हैं। सुहेल भाई पूरी रेडी है, कोई काम तो नहीं बचा, सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छी हो गई। तो ये चेक कर लें भाई, ये काम हुआ है और इसी तरीके से सारी साइड है वगैरह। यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ ये वाले साइड स्कर्ट्स, तो ये आप लोग जो है वो देख लें। ये हमने जो है वो ये लगवाए हैं फ्रंट पे, और बैक तो आप लोग जो है वो देख चुके हैं। इसी तरीके से स्पॉइलर भी आप लोगों को लगवा, काफ़ी अच्छा। अच्छा ये वही वाला स्पॉइलर है जो हमने उसके अंदर लगाया था BM के अंदर, BM वाले ये सेम एज इट इज़। तो ये वही वाला है और ये काफ़ी अच्छा सा जो है वो लुक देता है इस गाड़ी को। अभी तो खैर पेंट पर जाएगी, अनीस भाई बैठे हुए मुझे नज़र आ गए थे वहाँ पर, हमारे पेंट वाले जो भाई हैं, तो उनसे भी क्या पता आज आप लोगों की मुलाकात करवा दूँ। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूँ और अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ तो जी सुहेल भाई, गाड़ी तो हो गई रेडी, अभी मुझे ये बताएं कि इसमें क्या मकसद, कोई काम रहता है या कोई चीज़ ऐसी रहती है तो वो बताएं सर आपके। मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन बम्पर वगैरह की सेटिंग है, और उसके अलावा आपने जो थोड़ा बहुत सेट करा था वो क्या चीज़ थी वो भी थोड़ा सा सर हमें दिखाएं इसमें। तो ये भी जो है वो सुहेल भाई की मेहरबानी है कि भाई सुहेल भाई ये सारी चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। जब हैमरिंग की इसमें गैप नहीं थे, इनकी चीनें भी गई हुई हैं, तो यहाँ से तकरीबन दो बालिश का पीस नहीं है, तो हमने फिर फाइबर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये यानी कि दो बालिश का पीस नहीं था, 10 इंच 12 इंच के करीब नहीं पीस, तो वो आपने फाइबर से ही जो है फिल कर दिया। तो भाई ये आप लोग चेक करना, ये होता है कि अगर हम ना भी हो ना तो सुहेल भाई कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं और बोलते हैं चलो यार काम होना चाहिए। है भाई सुहेल भाई, बाकी ये कि बाद में तो हम वो ये सारी चीज़ें करवा ही लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से हो गई भाई गाड़ी रेडी और आप लेके बस निकल रहे हैं। ये मैंने बोला आप लोग को अपडेट दे दूँ, बता दूँ कि भाई सुहेल भाई इस चीज़ में भी जो है वो जीते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी किटी लगाएं, बाकी काम भी थोड़े बहुत जो होते हैं छुटके मुटके निपटा देते हैं। चले सुहेल भाई, हमें तो इजाज़त, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नई गाड़ी के साथ। सिविक क्योंकि खड़ी है अभी, सिर्फ उसका AC का काम हुआ है, वो जाएगी डेंटर के पास, तो फिर आपके पास आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी, अब अपना सफर चिंती से हट के अब गाड़ी पे आ जाते हैं दोबारा। दो दफ़ा तो चिंती में ऐसी लाइन लगी है, और यहाँ का रोड क्रॉस करना सबसे बड़ा मसला है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो चले भाई निकलते हैं, बहुत हो गई, बहुत लंबी कर रहा हूँ, वरना सब बोर होके चले जाएंगे। चले वैसे सुहेल भाई, ये क्या खड़ा है? ये इसकी वीडियो नहीं डालेगा। अच्छा वीडियो, ओ तेरी खैर, नहीं फिर तो हम इसको छोड़ ही देते हैं। तो गाड़ी के अंदर से हालत तो भाई ख़राब हुई हुई अभी हाल फिलहाल, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई पुरानी गाड़ियाँ और इनको स्टार्ट करना थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन माशाल्लाह से चलिए जी स्टार्ट हो गई। और सुहेल भाई भी मुस्कुरा गए और टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अच्छे से दिखाता हूँ, तो गैप है बहुत कम है इस गली में, पहले गाड़ी निकाल लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना बॉडी किट बचानी पड़ती है हर जगह से। और ये आप लोग जो है वो चेक कर लो, रोड सारा टूटा हुआ है, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल लो है, अगर ज़रा सी भी कोई खड्डे पर लगती है ना, ज़रा सा भी ऊंच नीच होती है, तो फिर वो जाहिर सी बात है फिर दोबारा से सुहेल भाई के पास चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बस भाई अभी एहतियात से इसको पहुँचाते हैं भाई कलर वाले भाई के पास, यानी कि अनीस भाई के पास, और अनीस भाई से क्या पता आप लोगों की मुलाकात भी जो है वो आज हो जाए। हैं हम लोग, उधर देखो, उधर देखो, फोन इशारे कर रहे हैं, ये चेक करो, बोल रहे गाड़ी आगे 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 आगे, क्या करेंगे उधर लगा के, लगा रहो टेंशन नहीं लो तुम। ये अनीस भाई हैं हमारे, और जुम्मे के दिन भी जो है वो काम करवा रहे हैं, देखे बच्चों से और बुरा नहीं माने का मजाक करता रहता है हमारा इनसे ना। तो ये सारा सीन है भाई, अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ी तो घर लगानी थी लेकिन जो है वो गाड़ी यहाँ दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए आज जुम्मा है तो फिर कल हफ्ते इतवार जो भी काम हमारा हो सकेगा वो जो है जल्द से जल्द जो है वो निमट जाएगा, ताकि जल्दी जो है वो गाड़ी रेडी हो जाए। तो बस अभी गाड़ी जो है अनीस भाई के पास लगाते हैं और अनीस भाई को जो है वो गाड़ी देते हैं। ये आ गए भाई अनीस भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक ठाक सर? जुम्मे के दिन काम कर रहे हैं आप? क्या करें सर, बारिशों में बहुत बड़ा मसला हो गया था, इसकी वजह से बारिशें जो हुई थी उसकी वजह से काम वाम सारा सब का डाउन हो गया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो है अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा रोजगार चला है, तो अब थोड़ा आगे बिल्कुल ऐसा ही है कहानी। भाई ये सारा सीन है, ये है हमारे अनीस भाई, और हमारी जो भी गाड़ियाँ जो है वो बनती है अनीस भाई के पास बनती है। मार्क 2 आप लोगों ने जो है वो देखी थी, वो भी अनीस भाई ने जो है वो कलर करी थी, या नीचे आप लोगों को अनीस भाई का नंबर दिख जाएगा। अनीस भाई बोलते हैं ये सारा कोई बंदे बंदे तो भेजता नहीं है काम के लिए, तो भाई देख लें अनीस भाई को तस्वीरों से काम चल रहा है, अनीस भाई को सपोर्ट करनी है, आप लोगों ने नीचे नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये अनीस भाई के पास हम गाड़ी छोड़ रहे हैं, अनीस भाई ये गाड़ी हुई आपकी, और सर ये कब तक पॉसिबल है कि ये गाड़ी तैयार होगी? तकरीबन इसमें टाइम लगेगा,
और आपको पता हमारा काम जो है ना बड़ा टेक्निकल होता है, तसल्ली बख्श इसको बोलते हैं, यानी कि जो बेस बनाते हैं फिलिंग वगैरह करते हैं उसको सुखाना पड़ता है, ऐसे ही उसको धूप देनी पड़ती है जब जाके ये बेस तैयार हो, सही अच्छी बेस तैयार हो यानी कि। और अगर मौसम ठंडा हो जाता है फिर हम अपना चैप्टर बंद कर देते हैं, बिल्कुल ना थोड़ा रोक देते हैं काम को, बिल्कुल सही जैसा आपने पहले बताया बारिशों में काम आपने जो है वो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द हो जाए, हफ्ता चार दिन तकरीबन हफ्ता तकरीबन हफ्ते का जो है वो गैप रखना, बाकी ये कि माशाल्लाह सब सेट हो जाएगी ना सारी चीज़ें आपके सामने। बॉडी वॉडी लग के सही लग रही है, किट विट लग के या कुछ कमी लग रही है गाड़ी में? चलें जी चाहते थे हमें, चलें जी मिलते हैं फिर आपसे तकरीबन एक हफ्ते में। चलें जी यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर करना है, और अगर आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जो है वो आप लोगों ने ज़रूर करना है। और आज इतनी धूप नहीं थी, चलेंगे अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी हमने गाड़ी जो है वो आज लेके छोड़ दी, टाइम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। चलेंगे दोबारा से चिंची का सफर तो आपको दिखाऊंगा नहीं, यहाँ से चिंची पकड़ के दोबारा घर जाना है, ये यहाँ से हमारा दूसरा सफर शुरू हो गया है भाई। चलिए दोबारा से चिंची में आ गए, अब वहाँ से बाइक लेंगे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई वापसी घर पे, और घर आते ही जो है हमें एक वीडियो बनाने जाना था, जैसा कि आप लोगों को नहीं बताया था मैंने कि भाई मुझे एक गाड़ियों की वीडियो बनाने जाना है, तो ये तो आप लोगों ने खुशखबरी है, जो हमारे हजरात देखते हैं कि भाई गाड़ियां वगैरह खरीदो पर वाली वीडियोज़ हमारी ज़्यादातर जो है वो चलती हैं, तो उसी के साथ साथ ये ब्लॉग सीरीज भी कंटिन्यू है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा रेडी हो गया है, और ये हमारा GPS भी लॉस्ट हो गया है, तो ये हमारा रेडी है, और बाकी सब तो मैंने इसके अंदर रख दिया है, सारी चीज़ें पैक्ड हैं, और वहीं जाके अब सारी चीज़ें निकालेंगे। तो अब इससे जो है वो शिफ्ट करते हैं डायरेक्ट इस वाले कैमरे पे, ताकि आप लोग हेलो हेलो 1 2 3 माइक चेक, और ये आ चुके हैं भाई हम अपने दूसरे कैमरे पे, तो इसकी सेटिंग मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुई हुई है, लेकिन जो भी है जैसी भी अच्छी हुई हुई होगी आई होप आप लोग को सही नज़र आ रहा होगा, तो बस निकलते हैं भाई अभी। बाइक का भी भाई थोड़ा आप लोगों को बता ही दूँ, फिलहाल ये बाइक जो है वो ली थी मैंने, लेकिन अब क्या बोलें, मैंने ली थी ये मार्केट से एक शोरूम से, तो इसके अंदर थोड़े मसले मसाइल हैं, उसने बोला था इंजन सही है लेकिन इसमें ऑयल शॉयल यहाँ पर गिरता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। चलें खैर हाल फिलहाल तो इस बाइक को जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि कम से कम हमारा सफ़र तो जो है वो कटे, बाकी ये कि फिर 150 भी इंशाल्लाह ताला इन करीब आने वाली है दोबारा से, जो पहले वाली 150 थी वो तो हमने सेल आउट कर दी थी, तो हाल फिलहाल हम 70 पे आ गए, बताने का मकसद ये। चलें हमारी बाहर, और चलिए जी फिलहाल 70 पे ही चलें, और इसके अंदर हमें पेट्रोल चेक करना पड़ेगा। अरे भाई पेट्रोल तो बहुत है, 70 में पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि 70 का एवरेज बहुत अच्छा होता है, और इसकी आवाज़ तो माशाल्लाह अभी तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को व्यू जो है वो अच्छा नज़र आता रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का सफ़र 70 के साथ। तो इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसको बंद करता हूँ पहले मैं, तो इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है बाइक की, इसका साइलेंसर जो है वो आवाज़ वाला लगा हुआ है, तो ये हमने चेंज करवाना है। अब देखें बाइक तो ख़रीद ली है, पैसे दे दिए, तो जो काम है हमने खुद ही करवाने पड़ेंगे, तो गलती हो गई, हमने इसको अच्छे से वहाँ पर देखा नहीं, लेकिन ये कि चलें जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एक नई सीख मिलती है इंसान को। तो अब मुईज़ भाई के पास मिल के पहुँच के आप लोगों से जो है मुलाकात होगी। तो ये सारा सीन चल रहा है भाई, गाड़ियाँ देख लो आज आप लोगों को लाइन से कतार की कतार में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ आप देखो तो ये पूरी लाइन जो है वो दिखा दी मैंने गाड़ियों की आप लोगों को इसी तरीके से, फिर सेंट्रो यहाँ खड़ी हुई थी वो दिखा दी, अच्छा मुईज़ भाई के शोरूम पे दो गाड़ियाँ खड़ी थी वो गाड़ियाँ आप लोगों को दिखा दी, और अभी मज़ीद गाड़ियाँ जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो बस अभी वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि टाइम अभी कम हम लोगों के पास बचा है, अभी टाइम हो गया तकरीबन, वैसे अभी टाइम है मैं लग रहा है मुझे कम, जब मैंने घड़ी देखी तो भाई 5:30 ही बजे, अभी टाइम है हमारे पास अच्छा खासा, तो वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो भाई इस लोकेशन से भी हम लोग जो है फ्री हो चुके हैं, अभी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जो है वो हम लोग आए थे, तो यहाँ से भी जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ जो है वो आप लोगों को दिखाई हैं, तो वो तो आप लोग जो जिन्होंने पहले वीडियो देख ली होगी तो व्लॉग आप लोग बाकी सिटी में मोगल बनाए तो वो भी आप लोग देख लेना, और उसको लाइक कर देना अगर नहीं करिए, टाइम थोड़ा सा कम बचा है, हम जा रहे हैं अगली लोकेशन पे, वहाँ पर जो है वो हम लोग के पास दो गाड़ियाँ बची हैं, तो वो भी हम लोग जाके जो है वो कवर करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई मुईज़ भाई ने जो है वो एक नया काम स्टार्ट करा है, ऑटो गियर के नाम से इन्होंने जो है वो अपना काम स्टार्ट किया है, उसके अंदर आप लोग गाड़ी की इंटर क्लीनिंग हो, गाड़ी की डेंटिंग हो, गाड़ी की पेंटिंग, यहाँ तक कि अगर आपकी गाड़ी जली हुई भी खड़ी हुई है ना कहीं पर, और आप मुईज़ भाई को बोलते हैं कि मुईज़ भाई ये गाड़ी हमें जो है वो रेडी चाहिए, तो भाई मुईज़ भाई घर तक पहुँच जाएगी, आपके घर पहुँच जाएगी गाड़ी, इंशाल्लाह आपके घर से रिसीव होगी गाड़ी, आपको
अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट भी दे दिया जाएगा कि भाई इतना खर्चा आएगा आपकी गाड़ी के ऊपर, और इंशाल्लाह आपकी गाड़ी पे वापसी रेडी होगी गाड़ी आपके, और बिल्कुल सेटिस्फेक्शन काम होगा कि आपको इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार आपने ये कर दिया। बस लोग बेचारे परेशान होते हैं कि यार मैकेनिक के पास जा रहे हैं लेकिन एक चीज़ सीधी करते हो दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी सही करते हो तीसरी खराब है, तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि बस गाड़ी की चाबी देनी है और चाबी लेनी है, चाबी लेनी, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। तो भाई पैसे वगैरह मुईज भाई आपको हर चीज़ बता देंगे, बस आपने गाड़ी की चाबी देनी है और चाबी वापसी लेनी है। चलें जी, अभी हम शोरूम पूछते हैं जो थोड़ा बहुत है, और आना जाना जो है वो हम लोगों का इधर उधर लगा हुआ ही है। चलें जी, बिस्मिल्लाह मोटर्स। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं वापसी, और ये आप लोग जो है वो चेकआउट करें। अंकल ने काम वाम ख़त्म कर दिया अपना, गाड़ी वाड़ी रेडी कर दी है अंकल ने। ये किसी की आई भी थी इंटर क्लीनिंग वाले, जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऑटो गेयर का काम भी जो है वो स्टार्ट करा है मोहित भाई ने, तो उसी रेफरेंस से जो ये गाड़ी आई भी थी। तो बस अभी अंदर चलते हैं, मोहित भाई से हम लोग बातचीत वगैरह करते हैं। बाकी भाई हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? चाय वाय चल रही है लगता है? अच्छा नहीं, आप पहले ही क्लास कर दी। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, आप हुए जन्नती, आपने जो काम करा है 10 नेकियां आपके नाम। चलें जी, जबरदस्त। सो आज की वीडियो भाई हमारी यहाँ आके ख़त्म होती है, तो होपफुली भाई आज का दिन आप लोगों ने देख लिया हमारा कितना हैडिक होता है। और ये तो खैर अभी मोहित भाई की सिर्फ गाड़ियाँ घूमने में मुझे इतना टाइम लगा है, बाकी इसके अलावा सुबह से निकला हुआ था। चिंची वाला जो काम है ना वो सबसे मुश्किल है, पहले एक चिंची पकड़ो फिर जाओ फिर गाड़ी लो, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट बड़ा इशू है। तो बाइक अकेला होता हूँ तो जाहिर सी बात है बाइक वगैरह भी एडजस्ट नहीं हो पाती है। बाकी अभी सिविक के लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी छोड़नी है फिर उठानी है फिर उसके और काम है मजीद, तो वो सीरीज़ भी हमारी साथ साथ चलती रहेगी। तो होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया तो भाई वीडियो को आप लोगों ने लाइक जो है वो ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा करेंगे आप भी बोर हो जाएंगे। अभी रात का तो खैर बहुत सारी सीन बाकी हैं, अभी दोस्तों में बैठा है, गेम शेम ये वो सब चीज़ें वो बाकी हैं, वो फिर इंशाल्लाह ताला जब हम कंटिन्यू हो जाएंगे ना ब्लॉगिंग में तो फिर वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे, और मजीद जो लोग हैं हमारे उन सबसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।